चंद्रशेखर जी, दिल्ली पुलिस ने कहा है, एक इनिशियल असेसमेंट रिपोर्ट दी है कि मौजपुर में भीम आर्मी के सपोर्टर्स ने पत्थर चलाया था दिल्ली में, उसके बाद हालात बिगड़े, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 24 तारीख को वायलेंस हुआ और अभी आज तक की हमारी बहन कह रही थी कि वहाँ के महिलाओं ने कहा कि जब ये सब चीज़ें हुई तो वहाँ कोई व्यक्ति नहीं था, भीम आर्मी में कोई व्यक्ति नहीं था। तो ये अब उस ये जो दंगा हो गया, सब माहौल बिगड़ गया, इसको धोने के लिए किसी को तो फंसाया जाएगा ना। सारी एजेंसियाँ उनके पास है, कोर्ट में अगर उनके खिलाफ ऑर्डर देता है तो कोई उसको ट्रांसफ़र हो जाता है, बचा क्या है, कोई तो फंसेगा ना। लेकिन मैं चाहता हूँ निष्पक्ष जाँच हो, अगर कोई भी दोषी भीम आर्मी व्यक्ति उसको भी जेल भेजा जाए, लेकिन पहले उन लोगों को तो भेजा जाए। मैं जमा मस्जिद पर कॉन्स्टिट्यूशन प्रेमबल पढ़ता हूँ तो जेल जाता हूँ, सारी बात बाद में होती है, 14 दिन की न्यायिक हिरासत जाता हूँ। अब इन अपराधियों को कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, अभय वर्मा, प्रवेश वर्मा क्यों नहीं भेज रहे हैं? जांच होने दीजिए ना, बाद में नहीं दोषी पाए जाएंगे तो कोर्ट रिलीफ कर दे, लेकिन अभी क्यों नहीं भेज रहे हैं, क्यों माहौल ख़राब करा रहे हैं? तो इसके लिए सरकार दोषी है, सरकार ने सपोर्ट करके सब चीज़ें कराई। मुझे इसका दुख है कि ऐसी सरकारें भी देश में, गृहमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। जिस तरह का माहौल है दिल्ली में, किस तरह की कुछ पीस की कोशिश हो रही है? लगातार पीस की कोशिश हो रही है, हमने सारे रविदास गुरुघर, वाल्मीकि गुरुघर खुलवा दिए, वहाँ लंगर भी चल रहा है और वहाँ से मेडिकल से ज़्यादा से भी मेडिकल की चीज़ें भी और जो भी खाने पीने का सामान है वो भी प्रोटेस्टर के जो पीड़ित हैं उनके पास पहुँचाएंगे। हम प्रधानमंत्री की तरह कपड़े नहीं देखेंगे कौन है, हम सबको मदद करेंगे और प्रयास करेंगे शांति हो, ये अपील हमारे लोग कर भी रहे हैं गाँव-गाँव। ये हमारा देश है, ये हमारी दिल्ली, इसको हमें बचाना, मिल के बचाना है। काफ़ी बड़ी संख्या में लोग कह रहे थे कि पुलिस ने कुछ नहीं किया दंगों के दौरान, ये तो सामने है ना, पुलिस अगर चाहती तो रुक जाता ना। जब इतनी बड़ी भीड़ रोकी जा सकती है, इतने बड़े प्रोटेस्ट रोके जा सकते हैं, तो ये क्यों नहीं रुका? चंद ही तो लोग थे ना, कोई पूरा एक समाज नहीं था ना, थोड़े से लोग थे तैयार किए गए लोग, क्यों नहीं रोके? क्योंकि सपोर्ट किया गया ना उनको कि ये हिंसा बढ़ेगी तभी तो बीजेपी की राजनीति चलेगी। मुझे दुख है इस बात का, बहुत दुख।